नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलेश पाटिल आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फैमिली डॉक्टर में। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है मुंह के छाले। दोस्तों, ये एक बहुत ही सामान्य सी समस्या है जो काफ़ी लोगों को बार बार होती रहती है, तो आज हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि मुँह के छाले क्यों होते हैं, इसके प्रकार क्या है और इसकी चिकित्सा क्या है। मैं कुछ आपको घरेलू आसान उपाय भी बताऊँगा जिससे मुँह के छालों से राहत मिल सके। और दोस्तों, इसी तरह स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह की कोई भी जानकारी मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि मुंह के छाले क्या होते हैं। तो दोस्तों, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें मुंह के अंदर की मुलायम त्वचा या जीभ के ऊपर सूजन युक्त घाव उत्पन्न हो जाते हैं जिसे हम मुँह के छाले या स्टोमेटाइटिस या माउथ अल्सर भी कहते हैं। अभी दोस्तों देखते हैं कि इसके प्रकार क्या है। तो इसके मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं, कैंकर सोर्स, कोल्ड सोर्स और एंगुलर स्टोमेटाइटिस। तो दोस्तों देखते हैं कि कैंकर सोर्स क्या होते हैं। कैंकर सोर्स, जिसे वैद्यकीय भाषा में अफेथस अल्सर्स भी कहते हैं, यह मुंह के छालों में पाया जाने वाला सबसे सामान्य प्रकार है और इसमें जो छाले पाए जाते हैं वो भूरे या हल्के पीले रंग के होते हैं और इनके किनारे लाल रंग के होते हैं। यह सामान्यतः 4 से 14 दिनों में ठीक हो जाते हैं और यह अधिकतर स्त्रियों में किशोरावस्था और युवावस्था वाले लोगों में अधिकतर पाए जाते हैं और यह संक्रामक नहीं होते हैं। दोस्तों, भी दूसरा प्रकार देखते हैं जिसे कोल्ड सोर्स कहते हैं। कोल्ड सोर्स, जिसे हर्पीस स्टोमेटाइटिस भी कहते हैं, यह हर्पीस वायरस की वजह से होता है, इसीलिए इसे हर्पीस स्टोमेटाइटिस भी कहते हैं। दोस्तों, यह छोटे दर्द युक्त और तरल पदार्थ से युक्त घाव होते हैं। ये ओटों पर, ओटों के आसपास और मुंह के किनारों में पाए जाते हैं। यह सामान्यतः 5 से 7 दिनों में ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये जो कोल्ड सोर्स होते हैं ये बार बार आ सकते हैं और ये काफ़ी संक्रामक होते हैं, यानी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण इसका हो सकता है। अभी तीसरा जो प्रकार है दोस्तों, वो है एंगुलर स्टोमेटाइटिस। एंगुलर स्टोमेटाइटिस में मुँह के कोनों में, यानी जहाँ पर दोनों ओट मिलते हैं, वहाँ पर लाल सूजन युक्त दरारें पाई जाती है और इसे ही एंगुलर स्टोमेटाइटिस कहते हैं। अभी दोस्तों देखते हैं कि हमने जो ये तीन प्रकार देखे हैं, इनके जो कारण है वो क्या है। तो सबसे पहले हम कैंकर सोर्स के कारण देखते हैं। तो इसमें कभी कभी गाल, ओट या जीभ, ये हमारे दांतों के बीच चबाए जाते हैं तो इस वजह से भी ये मुँह के छाले उत्पन्न हो जाते हैं। वैसे ही कभी कभी कृत्रिम दांत लगाने पर, जब इनकी फिटिंग ठीक तरह से नहीं होती है या हमारा टूटा हुआ दांत होता है जो कि कभी कभी धारदार होता है, इस वजह से भी ये छाले उत्पन्न हो जाते हैं। तंबाकू खाने से या धूम्रपान करने से भी यह छाले उत्पन्न हो जाते हैं। वैसे ही गर्म खाने पीने की वस्तु से मुँह जल जाना, इस वजह से भी ये कैंकर सोर्स उत्पन्न हो जाते हैं। वैसे ही कभी कभी खान पान की वस्तु या किसी दवाई की एलर्जी होने की वजह से भी ये मुँह के छाले उत्पन्न हो जाते हैं। वैसे ही कैंसर की दवाई या रेडिएशन थेरेपी की वजह से भी यह छाले उत्पन्न हो सकते हैं। वैसे ही मसोड़ों की सूजन या मुँह में कोई अन्य इन्फेक्शन का मौजूद होना, इस वजह से भी कैंकर सोर्स उत्पन्न हो जाते हैं। वैसे ही दोस्तों कुपोषण, जिसमें मुख्यतः विटामिन B12 की कमी, तनाव में रहना, नींद पूरी ना होना, इस वजह से भी ये छाले मुंह में उत्पन्न हो जाते हैं। वैसे ही बहुत बार रोग प्रतिरोधक शक्ति की कमी होना, यानी जैसे कि HIV या एड्स, इस बीमारी में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम हो जाती है, इस वजह से भी ये छाले बार बार उत्पन्न होते हैं। वैसे ही शरीर में हॉर्मोन्स में बदलाव होना, इस वजह से भी ये छाले उत्पन्न हो जाते हैं। अभी दोस्तों देखते हैं कि कोल्ड सोर्स के कारण क्या होते हैं। तो कोल्ड सोर्स का जो कारण है वो है हर्पेस सिंप्लेक्स Type 1 वायरस। इस वायरस की संक्रमण की वजह से इस तरह के छाले उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, यह जो संक्रमण होता है यह प्रौढ़ावस्था के पूर्व ही, प्रौढ़ावस्था आने के पहले ही हो चुका होता है, लेकिन जब तक ये वायरस हमारे शरीर में निष्क्रिय रूप में रहता है तब तक हमें ये छाले हमारे मुँह के ऊपर पाए नहीं जाते। लेकिन जब हमें बुखार होता है या चोट लगती है या हॉर्मोन्स में बदलाव आता है या तनाव होने पर या ज़्यादा धूप में काम करने पर या रोग प्रतिरोधक शक्ति की कमी होने पर यह वायरस सक्रिय हो जाता है और यह घाव उत्पन्न हो जाते हैं और ये काफ़ी संक्रामक होता है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है।
अभी तीसरा जो प्रकार है वो है एंगुलर स्टोमेटाइटिस। अभी इसका कारण हम देखते हैं दोस्तों। एंगुलर स्टोमेटाइटिस में मुंह के कोनों में जहां पर दोनों होंठ मिलते हैं वहां पर थूक के जमा होने पर, और यह जब थूक या लार वहां पर जमा होने पर जब सूख जाती है तो उस जगह पर दरारें उत्पन्न हो जाती है। और दोस्तों इन दरारों की जगह में गर्मी और नमी की वजह से यह फंगस या कवक के लिए पोषक वातावरण होता है, उसकी वृद्धि के लिए पोषक वातावरण होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर अधिकतर मामलों में फंगल इन्फेक्शन पाया जाता है, लेकिन कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी यह एंगुलर स्टोमेटाइटिस उत्पन्न हो सकता है। अभी दोस्तों देखते हैं कि मुंह के छालों की चिकित्सा कैसे होती है। तो सामान्यतः मुंह के छाले 2 हफ्तों में ठीक हो जाते हैं। इसमें दर्द से राहत पाने के लिए हम आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल की गोली ले सकते हैं। वैसे ही छालों पर लिग्नोकेन जेल लगा सकते हैं। वैसे ही यदि बार बार हमें मुंह के छाले आते हों तो ये विटामिन B12 की शरीर में कमी होने की वजह से भी बार बार छाले आते हैं, तो इसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह से कुछ दिनों तक विटामिन B12 की दवाइयाँ लेनी पड़ सकती है। वैसे ही हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। अक्सर हम पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं, और वैसे ही हमें यह इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कब्ज नहीं होने देना है, क्योंकि बहुत बार कब्ज के उत्पन्न होने के साथ साथ ही मुंह के छाले भी उत्पन्न हो जाते हैं। वैसे ही हमें ज़्यादा गर्म मसालेदार या नमकीन चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। मुंह के छालों से राहत पाने के लिए हम ठंडे पानी से कुल्ला कर सकते हैं या बर्फ का टुकड़ा चूस सकते हैं। वैसे ही हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम पर्याप्त समय के लिए नींद लें और वैसे तनाव में ना रहें। पर्याप्त मात्रा में नींद न लेने से या तनाव में रहने से भी मुंह के छाले उत्पन्न हो जाते हैं। वैसे ही हमें खास तौर पर मुंह की स्वच्छता की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमें 2 बार तो भी ब्रश करना ही चाहिए। वैसे नॉन अल्कोहलिक माउथ वॉश से हमें दिन में 2 या 3 बार माउथ वॉश करना चाहिए। यदि हम कृत्रिम दांतों का इस्तेमाल करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इसकी फिटिंग सही तरह से हो। यदि इसकी फिटिंग सही तरह से ना हो तो भी मुंह के छाले उत्पन्न हो सकते हैं। वैसे ही यदि मुंह के छाले किसी एलर्जी या किसी अन्य बीमारी के वजह से उत्पन्न हो रहे हो तो हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, और डॉक्टर जब इस एलर्जी या बीमारी की चिकित्सा करते हैं तो इस एलर्जी या बीमारी के ठीक होने के साथ ही साथ ये मुंह के छाले भी ठीक हो जाते हैं। वैसे ही हमें कोल्ड सोर्स या एंगुलर स्टोमेटाइटिस की चिकित्सा के लिए डॉक्टर से संपर्क करना ही होता है। दोस्तों अब मैं आपको कुछ आसान घरेलू उपाय बताऊंगा जिससे आप मुंह के छालों से राहत पा सकते हैं। तो इसमें टी ट्री ऑयल या एलोवेरा जेल या घी या शहद और मुलोटी चूर्ण का मिश्रण या पानी और हल्दी का पेस्ट या एप्पल सीडर विनेगर, इनमें से किसी भी एक को रुई की मदद से छालों पर दिन में 3 से 4 बार लगाएं। इसको लगाने की वजह से आपको छालों में राहत मिल सकती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।